अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मैं जावा रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं DDMA की और जो दिल्ली गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू करी है, तो उसके अकॉर्डिंग 50% कैपेसिटी पे हम रेस्टोरेंट अपना रन कर रहे हैं। और इसके पहले से भी ऑब्वियसली इन गाइडलाइंस के पहले से भी मास्क का प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरा ख्याल रख रहे थे। और हालांकि ये रिस्ट्रिक्शन से बिज़नेस पे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा ही, बट ये बहुत नेसेसरी भी है कि अगर इसको, ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसको एज सून एज़ पॉसिबल हम इसको कर्व कर लें, इससे हम जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है इसको तोड़ दें, तो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा आई बिलीव। वालेकुम, मेरा नाम फैसल अजीज़ है और मैं बल्ली मरान नहारी को आपकी खिदमत में हमेशा तैयार रखता हूँ। ये कारोबार पे बहुत बड़ा असर है, ख़ास तौर से जो हमारी इंडस्ट्री है रेस्टोरेंट की, वो हमारा जो 90% जो बिज़नेस है वो सिर्फ रात को 8:30 बजे पे ही डिपेंड है, और वो रात को 8:30 से 11 का स्लॉट होता है जिसमें कस्टमर मूवमेंट रहती है। इसी मूवमेंट में लॉकडाउन का क्रैक डाउन है। तो बहरहाल ये फाइनेंशियली और कमर्शियली तोड़ने वाली बात है, और जो कि विच इज़ रिक्वायर्ड आवाम के लिहाज से भी और गवर्नमेंट के लिहाज से भी है, तो वो फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने इसके इंतज़ाम ये रखे हैं कि सिटिंग 50% कर दी है। सिटिंग कैपेसिटी को बिल्कुल, जो हमारी टेबल पे 4 चेयर थी, जहाँ 6 थी वहाँ 3 कर दी, जहाँ और कम 4 थी वहाँ 2 कर दी, उनके डिस्टेंस कर दी। मैं आपको बाहर का रिव्यू कराऊंगा अभी, तो आप देखिएगा। तो बहरहाल मोस्ट पब्लिक मैसेज यही है कि कोविड का पीरियड है, प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है, और इस प्रिकॉशंस की वजह से हम भी इसमें सपोर्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, कमर्शियली बहुत इफ़ेक्ट करेगा, और अगर आगे लॉकडाउन वीकेंड में बढ़ता है या और पहले क्लोज होता है रेस्टोरेंट, इट विल रियली बिग इफेक्ट ऑन अवर बिजनेस। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, मैं अल ज़ुहार रेस्टोरेंट से। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका लिहाज हम लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट के गाइडलाइंस पर जैसा किया है, जैसा कि उन्होंने दिया है, हम 50% 50% कैपेसिटी पर चला रहे हैं और इसको सैनिटाइज़ करते हैं, और आने वाले लोगों को भी हम उनके हाथ सैनिटाइज़ कराते हैं। और उससे पहले भी हमने मास्क और अपने जो हमारे वर्कर्स हैं यहाँ के, उनको हमने ख़ास गाइडलाइन दी हुई थी जो कोरोना से रिलेटेड थी, कि किस तरह से हमको उसका लिहाज करना है और उससे बचना है। जी सर, हाँ